हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वानी रिएक्ट्स पर। सो आज आपके लेके हैं आपके ट्रेंडिंग स्टार एंड सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का स्टेज शो। एंड ये स्टेज शो कहाँ हो रहा है? नेपाल में, नेपाल के वीरगंज में। हाँ, नेपाल के वीरगंज में ये स्टेज शो हो रहा है और यार बहुत ही जबरदस्त स्टेज शो होने वाला है ये, क्योंकि काफी टाइम बाद खेसारी लाल यादव जी नेपाल पहुंचे हैं। एंड अभी तो हमने खुद ने नहीं देखा, तो ये फर्स्ट वीडियो आई है और इसके काफी पार्ट भी आगे आएंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है इनके नेपाल के स्टेज शो का। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, पहले तो ये स्टेज शो देखते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे स्टेज शो कैसा था। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। संगीत हम में ठीक बनी, जे ये नेता बने कोई तो ये डायरेक्ट बन जाए हम। अभी इरादा नहीं खे हमार, दिखाई आप लोग थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मुझे लगता है कि इधर से खाली करके थोड़ा सा तो भरा भरा सामने नजर आएगा। शो में भी काफी ज्यादा रश हुआ है, शासन में चाहता हूं कि यहां से थोड़ा भाई लोगों को पीछे ले जाइए और नहीं तो कहीं बैठा दीजिए, ताकि उसमें क्या होगा कि सब लोग व्यवस्थित नजर आएंगे, नहीं तो एक एक आदमी आएगा और सारे लोग आगे आ जाएंगे और व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। धीरे 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 थोड़ा सा सबको सब लोग अपना अपना पकड़ ले। सर हम आग लगाते हैं, सच में आग लग गई। हम आग थोड़ी लगाते हैं, आग का जलवा आग लगाता है भैया। अब लग जाता है तो हमार का दोष है। क्या बात है, जलवा है आपका? नहीं, ऐसे जलाने वाला जलवा तो नहीं है। फेंको फेंको पानी फेंको। बहुत अच्छा, बहुत। ये किसका दिमाग था यार? ऐसे तो आग भी लग सकती है यार। ये स्टेज को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, स्टेज थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खेसारी सर, आपके साथ साथ बीरगंज की नहीं, बीरगंज की शान है ये, ऑल ओवर वर्ल्ड इनका एक अलग फैन फॉलोइंग है। प्रीति पासवान भी हम लोग के साथ, एक बार जोरदार हल्ला फॉर प्रीति पासवान एवरीवन। और साथ में एक और ऐसे व्यक्तित्व है यहाँ पे जिनका जलवा बीरगंज महानगर पालिका में चरम पे होता है, एक बार उनको भी इस मंच में निपटाते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ हल्ला स्वागत करो वहाँ को, बीरगंज महानगर पालिका का नगर प्रमुख आदरणीय राजेश मान सिंह जी मंच में निपटे आए। मैं जोरदार ताली वहाँ को लगी। कहाँ है सब टीम? होटल में है ना, मॉडल साथ में लेके चलते हैं आई थिंक। संजय इसी होटल में है ना, तो है कहाँ सर? करण कहाँ है? चलिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने, एक्चुअली नेपाल का कार्यक्रम करने में बड़ा रिस्क रहता है मुझे, इसीलिए मैंने मेरे डिजिटल को बड़ा मैनेज करते हैं करण जी, उनके साथ ही जितने भी लोग हैं और जितने भी इस चैरिटी शो के अच्छा मेयर साहब आए हैं, तो मैं चाहता हूँ इनके लिए एक जोरदार ताली बजा दो भाई। हम तो आपका मनोरंजन करा सकते हैं, लेकिन आपका विकास यही करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, चलिए तो हम दोनों भाइयों की तरफ से ये उड़ा के हम शुभ संकेत दे देते हैं पर्यावरण के लिए। दिल से थैंक यू, थोड़ा सा वो हटा देना भाई। सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और जोरदार हल्ला के लिए तैयार हो जाइए। चलिए 1, 2, 3 शांति का प्रतीक होता है। चलिए ये बहुत जरूरी होता है, तो करण को और उनके पूरे टीम को और थैंक यू आपका कि आप आए और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा भीड़ यहाँ पे, थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, पीछे ऑडियंस भी है, वो भी देखना है। पीछे इतना अच्छा जमीन है, बैठ जाइए आप लोग। एपीएफ का दाजुहरु जिला प्रहरी कार्यालय का दाजुहरु अलग रिक्वेस्ट करना चाहिए, अगड़ी को भीड़ अलग मेन्टेन कर दिन को सहयोग कर दिन होगा।
प्रणीत दाजुहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे यो भिडहरूलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गरिदिनुलाई सहयोग गरिदिनु होला, सँगसँगै भोलिन्टियर टिम आर्टिस्ट टिम कृपया आफ्नो यथास्थानमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँ राखिदिनु होला। सर थोड़ा पीछे आ जाए, थोड़ा लाइट में लोग आपके चेहरे देख लिए, बहुत इंतजार था आज। और काफी जगह मतलब तगड़ी तगड़ी जगह में इंडिया से बाहर भी सर भोजपुरी के फैन है। एक प्रीति प्रीति एक चीज यहाँ तक कि दुबई में एक चीज हमको मतलब पिछले 3-4 महीने से प्लानिंग हो रहा है कि कब खेसारी जी को यहाँ पे बुलाया जाए, कब खेसारी जी को बुलाया जाए, एक चीज प्लानिंग हो रहा था। और जब से ये प्लानिंग हो रहा है तब से मैं आपका एक गाना बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ कि ये राजा ए राजा जाई बजारे ले ले आई एगो को बोला कोका कोला, ये बहुत सुना मैंने ये गाना। और पूरा गाना मुझे एक पूरे गाने में मुझे बस एक बात समझ में नहीं आई कि आप बाजार जाते तो हैं, आप बनारसी साड़ी लेके आते हैं, हाजमोला लेके आते हैं, ग्लूकोज का पानी लेके आते हैं, लेकिन 20 रुपए का कोको कोला क्यों नहीं लाते हैं? हम अपने मेहरारू को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तुम माठा पियो, तुम लस्सी पियो, कोको कोला पियोगी पेट में अपच हो जाएगा, इसलिए हम अपने मेहरारू को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम सभ्य मर्द हैं, थोड़ा सभ्यता में रहना चाहते हैं। क्या हुआ सजिंदा कहाँ है? सब लोग यहीं पे हैं, अभी तक लगा नहीं। करण कहाँ है? लाने गए तो पहले लाना चाहिए ना। तो चलिए दिल से थैंक यू पूरे नेपाल को, और आपने इतना प्यार, मुझे अच्छा लग रहा है। नेपाल में कई दफा आ चुका हूं मैं, लेकिन एक बार और आया था तो शो बहुत हिट गया था, गाड़ी वाड़ी भी बहुत हिट गई थी मेरी, लास्ट टाइम जब आए थे चार गाड़ियां हिट हो गई थी। बट ठीक है, समस्या के साथ चीजें होती है, इसीलिए मैं हमारे जो भाई हैं करण जो कि ऑर्गेनाइजर है इसके, उनसे मैं बोला कि भाई करा तो रहे हो लेकिन थोड़ा सा नेपाल में रिक्स बड़ा होता है, दीवानगी बहुत ज़्यादा है नेपाल के लोगों के बीच में मेरी, और वो प्यार बहुत करते हैं। मेरा गाना कोई हिंदुस्तान में ट्रेंडिंग करे ना करे, बट आप लोगों के बीच में नेपाल में तो ट्रेंड करता ही करता है, तो ये आप लोगों का प्यार है। हाँ तू बिहार साइल बड़ा, अरे गजब लड़का बड़ा, तू ईश्वर के रूप बड़ा, बैठा होना, अरे वाह जुड़ा बतहार, टिकट कटले बड़ा कि छरदवाली फन गए बड़ा। तो बस थैंक यू आप सबका। कब आएगा सर जिंदा बाबू, टीम वाले कब आएंगे? इसी होटल में है ना, स्वागत करना है आप लोगों को ऑडियंस। अच्छा जल्दी कर लीजिए ताकि कार्यक्रम हम शुरू करें। खेसारी लाल यादव जी ने आके स्टार्टिंग में संभाला आज प्रीति संग संग गई। अब जब तक प्रीति के साथ साथ में आज इस मंच पे वन ऑफ माय फेवरेट डांसर रिबिका एंड चांदी इज आल्सो हियर, लेट्स वेलकम एक बार जोरदार हल्ला रिबिका एंड चांदी के लिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि गृह प्रवेश हो रहा है आज मेरा। इतना स्वागत कम होता है ना, हम तो आते ही बस शुरू हो जाते हैं। गौरव दा मेरा आवाज सुनते हुए कृपया मंच में आई दिन होला। आज कमेटी का अध्यक्ष गौरव वर्मा जी यदि मेरा आवाज सुनते हुए कृपया मंच में आई दिन होला। वाह भाई कितना करो, जो जो नेपाल से हम लोगों को देख रहा है कमेंट करके बताओ भाई। थैंक यू भाई। म्यूजिशियन कहाँ है? सब इसी होटल में है, अभी तक आप लोगों ने लगवाया नहीं था और मुझे बुला लिया, मैं क्या अकेले क्या करूँ? कहाँ बेची हम अकेले ये लीची कोको कोला ये सब आपके नाम से जुड़ा हुआ है सर, आप यहाँ पे आ गए तो सब खत्म। मैंने हम यहाँ सिंगर बन के आए हैं कि कस्टमर बन के आए हैं? तो हमारे के व्यापारी बना दे मर दे। वो गाना में हो सकता है लेकिन बेचा था नहीं ठेला पर लीची रजाऊ सब होगा। म्यूजिशियन किस होटल में? म्यूजिशियन मेरे आए हैं वो किस होटल में?
नहीं लेकिन पहले बुला के बैठा उनको, आ गए फटाफट लगवाइए, पहले बुला लेना चाहिए था ना। हाथ थोड़ा जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, 5 मिनट में रेडी करिए। माइक ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ बैलेंस करना है। समीर सर, आज आपके परफॉर्मेंस के बाद वो समय नहीं मिलेगा, स्वागत के रूप में और बीरगंज की याद के रूप में कुछ है जो आयोजक कमेटी की तरफ से आपको हम लोग देना चाहते हैं। बिल्कुल दे दीजिए समीर, वो जितना पैसा है सब मेरे को दे दीजिए। सब दे चुके हैं सर आपको? ना ना, हम ये सब हम काम नहीं करते हैं, हम यहाँ फ्री में आए हैं ताकि चैरिटी शो है और मेरा भी योगदान इस कमेटी को होना चाहिए। अरे यार वैसे गरीबों के लिए ये शो किया जा रहा है, पीछे भी है ना, मजबूर लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, तो मैं भी चाहता कि मेरा भी योगदान हो जाए। और करण जो कि ऑर्गेनाइजर हैं, जिनसे मेरा काफी आज 5-7 साल से संबंध है, जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल सारा वही करते हैं, और उन्हीं के द्वारा अब पूरे नेपाल दे रहे हैं मुझे। आप आइए, देते रहिए, आइए, क्या बात है। दीपुदा गौरवदा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या भाई, पूरी नेपाल के नक्शा दे दिया, नेपाल की बिल्डिंग लग रही है कोई फेमस ना। इसी रास्ते से आना है ना हमको। चलिए अब मेरे को आने जाने में भंसार नहीं कटाना पड़ेगा, यह लेके घुस जाए। थैंक यू थैंक यू। माइक वाले भाई कहाँ है, साउंड वाले प्लीज आप यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए ताकि जल्दी से एस्टिमेट का सब हो जाए। ये मंच जरा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मंच को जरा खाली कर दिया जाए ताकि जाने से पहले कर लेते। मतलब यार क्या बात है यार, मतलब स्टेज शो तो बढ़िया था लेकिन अभी तो स्टार्टिंग दी है स्टेज शो की, वैसे तो इनमें वैसे तो खेसारी लाल यादव जी मेरे को लग रहा है कि अभी जनता को थोड़ा शांत करने के लिए स्टेज शो पे आए हैं, मतलब स्टेज पर चढ़े हैं और थोड़ा सा बातें बुतें हुई हैं, थोड़ा चेयरमैन साहब भी आए हैं उनके साथ भी है ना, मतलब कबूतर वगैरह उड़ाए गए हैं। हाँ बस इतना ही है। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है ना अपने को सही देखने को मिलेगा कि खेसारी लाल यादव जी ने कौन कौन से सॉन्ग गाए हैं और कौन कौन सी बातें जबरदस्त की हैं, ठीक है ना। मतलब इस वीडियो में कुछ ज्यादा दिखाया तो है, ज्यादा इसमें इस वीडियो में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला क्योंकि अभी स्टार्टिंग थी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वीडियो आ रही है आपके लिए स्टेज शो साथ साथ ही आ जाएगा। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और जो जो नेपाल से आए हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताओ आप नेपाल से हो। तो मिलते हैं आपको अनदर लेक्चर पर, धन्यवाद।